और महंगाई को इस वक्त कांग्रेस ने मुद्दा बनाया हुआ है। इसी कड़ी में महंगाई के विरोध में कांग्रेस की जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में पदयात्रा निकली, जिसमें जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। तो बोर्ड ऑफिस चौराहे से मिंटो हॉल तक ये पदयात्रा निकाली गई। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने पैदल मार्च निकाला। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कांग्रेस आज महंगाई के विरोध में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है। बोर्ड ऑफिस से मिंटो हॉल की गांधी प्रतिमा तक 15 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा निकाली जा रही है। कहीं ना कहीं महंगाई और अन्य बेरोजगार समेत अन्य चीजों को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और यही कारण है आज फिर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सर आज पद यात्रा निकाल रहे हैं आप, क्या कुछ कारण है? जन आक्रोश पद यात्रा है। जिस तरह से कोरोना काल में लाखों लोगों की जान गई, उनको मुआवजा मिला नहीं, लॉकडाउन में काम धंधे बंद हो गए, बेरोजगार हो गए लोग, रोजगार मिला नहीं, उसके बाद महंगाई सातवें आसमान पे, डीजल पेट्रोल और 900 रुपए रसोई गैस, ये लोगों को कोरोना का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे रहे। 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए, दिए कर्मचारियों को दिया नहीं, स्मार्ट सिटी में जो लोग बेघर उनका व्यवस्थापन किया नहीं। कुल मिला के 26 मांगे हैं जिसका ज्ञापन गवर्नर साहब को हम देंगे। सरकार फेल हो चुकी है इसलिए गवर्नर साहब को देंगे। ये थे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जिनका कहना है कि महंगाई के विरोध में ये जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, जिससे सरकार सुध ले और महंगाई समेत बेरोजगारी पर कुछ फैसला करे। 11% बजे से इस करके साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।